दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे मछली के बारे में जिसके बारे में ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे मॉन्गफिश के बारे में। मॉन्गफिश जिसे सी डेविल के नाम से भी पहचाना जाता है जो गुस्से फैमिली से बिलोंग करती है और पूरी दुनिया में मॉन्गफिश की टोटल 7 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। और मॉन्गफिश पूरी दुनिया में नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरेनियन के यहाँ पर पाई जाती है और मॉन्गफिश 3000 फीट नीचे समंदर के फर्श पे पाई जाती है और इंसान मॉन्गफिश का शिकार करके उसे मारकर उनकी पूंछ का सेवन करते हैं जिसका स्वाद लॉबस्टर की तरह ही लजीज होता है। लेकिन FDA का मानना है कि इंसानों को ना तो मॉन्गफिश का शिकार करना चाहिए और ना ही उसे खाना चाहिए क्योंकि मॉन्गफिश के पास पफर फिश के तरह एक जहर पाया जाता है जिसे टेट्राटॉक्सिन कहते हैं जो 1200 गुना ताकतवर होता है साइनाइड से भी, जिसका सेवन करने पर किसी भी इंसान की हत्या हो सकती है। और मॉन्गफिश की गिनती एम्बियस प्रेडेटर्स में भी होती है, मतलब वह प्राणी जो स्टैचू के तरह एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते ताकि वे अपने दूसरे प्राणियों का शिकार कर सके। और मॉन्गफिश एक मांसाहारी प्राणी है और मॉन्गफिश ज्यादातर कॉड, सैंड ईल्स और सी बास को कंज्यूम करते हैं और समंदरों में मॉन्गफिश का शिकार ज्यादातर स्वॉर्डफिश, शार्क्स और थॉर्नी स्केट्स करते हैं। और इसके अलावा मॉन्गफिश को ऑल माउथ के नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि उसके लंबे मुंह के कारण। और मॉन्गफिश का मैटिंग सीजन फेब से लेकर अक्टूबर के महीने में होता है और फीमेल मॉन्गफिश जो एक समय पर तकरीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा अंडे देती है और ठीक 3 हफ्तों के बाद उन अंडों में से बेबीज बाहर आते हैं जिन्हें सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 4 साल लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मॉन्गफिश समुद्र में बहुत ही कम स्पीड में तैरते हैं और वे कभी कभार अपने पिक्टोरियल फिन्स के द्वारा समुद्र के फर्श पर चलते हैं। समुद्र में मॉन्गफिश की लंबाई तकरीबन 3 फीट से लेकर 4 फीट तक हो सकती है और मॉन्गफिश समुद्र में तकरीबन 13 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।